हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। आज हम सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग के सिलेबस में कितना टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, किसकी जानकारी आपको डिटेल में रखनी चाहिए कि फ्यूचर में आने वाले जो ड्राइंग है, जैसे फोर्थ सेमेस्टर में भी ड्राइंग आएगा, फिफ्थ में भी आएगा, सिक्स में आएगा, उसमें उसके लिए ये यूजफुल होगा। सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, बिल्डिंग ड्राइंग सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सर बिल्डिंग ड्राइंग है कैसा, बिल्डिंग ड्राइंग आसान सब्जेक्ट है, बिल्डिंग ड्राइंग हार्ड सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट कैसा है, मोटा मोटा सबसे पहले आप यही बता दीजिए। हम आपसे बताना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग ड्राइंग हो, फोर्थ सेमेस्टर का आरसीसी ड्राइंग हो, फिफ्थ सेमेस्टर का वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, या सिक्स्थ सेमेस्टर का स्टील ड्राइंग हो, सारे ड्राइंग बहुत आसान है। कब? जब आप उस ड्राइंग को बनाते हैं तब। यदि हम पढ़ाएंगे, यदि आप उस ड्राइंग को ड्रा करते हैं, बोर्ड रखते हैं, है ना, बोर्ड रखते हैं, उस पर ड्राइंग शीट कसते हैं, एमडी कसते हैं, फिर ड्राइंग बनाते हैं, तो सारे सेमेस्टर के ड्राइंग आपके लिए आसान है। लेकिन यदि सिर्फ ड्राइंग को पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे नहीं, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत करेगा ड्राइंग। हाँ, कंफर्म है, फिर आप ड्राइंग में फंसेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स का आदत होता है कि लास्ट में ही पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग के लिए रेगुलरिटी चाहिए, ड्राइंग है रेगुलरिटी मांगता है। ड्राइंग कहता है कि हमको भी बस पढ़ो नहीं, हमको बनाओ भी। तो मोटे मोटे हमको आपको ये बता दिए कि समझाएंगे हम आपको, समझ आने की टोटल गारंटी है, हमको समझाने का डिटेल में समझाएंगे एकदम 3D व्यू। देखिए, हम आपके लिए ड्राइंग लेकर आए हैं, यहाँ सिलेबस डिस्कशन करते करते भी हम आपको कुछ चीजें समझाएंगे कि कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा। तो चीजों को जब हम ड्राइंग पढ़ाते हैं तो एकदम 3D व्यू में डिटेल से समझाए हैं, आपको समझ आने की गारंटी, हम इतना गारंटी ले सकते हैं कि आपको समझ आएगा। लेकिन ड्राइंग तब तक आप अच्छे से नहीं, ड्राइंग में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक ड्राइंग को आप ड्रा नहीं करेंगे। तो ड्राइंग को ड्रा करिएगा, बस एक सजेशन ड्राइंग में मेरा मानिएगा कि ड्राइंग को ड्रा करिएगा। ड्राइंग कुछ नहीं है, एकदम हल्का सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा। और एक बात आप जानते हैं, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको ड्राइंग नहीं आता, यानी आपको कुछ नहीं आता, जो सिविल का जान होता है ना, वो ड्राइंग ही होता है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का ड्राइंग हो। इसीलिए सिविल एक ऐसा ब्रांच है जिसके सेकेंड सेमेस्टर को छोड़ दें तो सभी सेमेस्टर में आपको ड्राइंग मिलेगा। थर्ड से लेकर के आपको फिफ्थ तक अलग अलग सब्जेक्ट के ड्राइंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। आज प्रॉमिस करके जाइएगा कि सर आप जो ड्राइंग पढ़ाएंगे हम उसको ड्रा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस डिस्कशन करेंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला ड्राइंग, टोटल आपको ड्राइंग नौ ड्राइंग्स टोटल बनाना है। तो सबसे पहला देखिए, बहुत चीज लिखा है इसमें, बहुत कुछ लिखा है, एक सारा हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला आपका आ जाएगा फाउंडेशन। सबसे पहला पहला आपको क्या पढ़ना है मेरे लाल, सबसे पहला पहला आपका क्या आ जाएगा, फाउंडेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है, स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन। क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहला टॉपिक है स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है न्यू, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, न्यू। यानी सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे भाई, न्यू पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, न्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत कुछ लिखा है, है ना, लिखा है डिटेल्स ऑफ स्प्रीड फूटिंग फाउंडेशन फॉर ए लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल फॉर गिवन थिकनेस ऑफ वॉल। यानी जो थिकनेस ऑफ वॉल रहेगा ना, थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल का थिकनेस दिया रहेगा। देखिए यहाँ लिख रहा है ना, यहाँ देखिए 3D व्यू लेकर आए हैं। आप जानते होंगे हमको 3D व्यू नहीं बनाना है, हमको 2D व्यू बनाना होता है, हम सारी चीजें बनाएंगे। तो वॉल की मोटाई आपको दिया रहेगा विद द हेल्प ऑफ गिवेन डाटा, जो भी डेटा दिया हो उसके अनुसार, या रूल ऑफ द थंब रूल। थंब रूल यानी मोटे मोटे रूल बनाना है, बताएंगे सारी चीजों को, ठीक है। थंब रूल, शोइंग ऑफसेट, ऑफसेट शो करना है। तो देखिए यहाँ ऑफसेट दिखा रहा है ना, ये जो खसका निकला रहा था इसे हम कहते हैं ऑफसेट, इसे क्या कहते हैं, ऑफसेट। तो कह रहा है कि ऑफसेट शो करिए। पोजिशनिंग, पोजिशन ऑफ डीपीसी, डीपीसी शो करना है, हम यहाँ एक डीपीसी भी शो करेंगे। द डिटेल्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का भी डिटेल दिखाना है कि कितना चौड़ा है, कितना मोटा है। एंड ब्रिक एप्रोन हैव द शो इन द ड्राइंग, यानी जो भी ब्रिक आप लगा रहे हैं उसको शो करिए कि यहाँ ब्रिक है या कंक्रीट है, सारी चीजों को हम डिटेल में शो करेंगे। यानी पहला पहला हम एक वर्ड में कहना चाहें कि पहला आपका टॉपिक क्या मिलेगा, पहला टॉपिक हमको क्या मिलेगा, फाउंडेशन, है ना। पहला टॉपिक क्या मिलेगा मेरे लाल, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है नींव,
फाउंडेशन मतलब क्या होता है, नींव। नींव बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का नींव होता है, लेकिन हमको पढ़ना है एक ही नींव पढ़ना है। हम इसको हाईलाइट किए थे ना अभी, हमको एक ही तरह का नींव पढ़ना है जिसका नाम है स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन। क्या नाम है इसका? स्प्रीड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो एक ड्राइंग है, दूसरा ड्राइंग आपको मिलेगा, दूसरा ड्राइंग आपको मिलेगा भाई, प्लान ऑफ, प्लान बनाना, प्लान ऑफ टी एंड कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल, यानी जो दीवारें है ना, दीवारों का टी जंक्शन और कॉर्नर जंक्शन बनाना है, उसका प्लान बनाना है, ठीक है। हम फिगर आपको 3D लेकर आए हैं, लेकिन हम प्लान, सेक्शन, इलेवेशन जो कहेगा हम उसमें बनाएंगे, एक आपको बेसिक आइडिया लग जाए अच्छा बनाना क्या है, इसलिए हम फिगर लेकर आए। देखिएगा, एक दीवार इधर से जा रहा था और बीच में एक दीवार आ गया, तो टी की तरह बन रहा है कि नहीं? देखिए एक टी बन रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग टी जंक्शन। देखिए टी की तरह बन रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? टी जंक्शन। अरे जो दीवार आपके घर रहेगा, घर के रूम में दीवारें रहती है ना, जैसे कि ऐसा बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग में ए दीवारें है ना, तो ए जो दीवार है क्या टी बन रहा है। तो देखिए एक बहुत बड़ा दीवार जा रहा था, फिर इसके बीच से दीवार जा रहा था, टी बन रहा है। तो टी इसको हम ऊपर से देख के बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, तो इसका प्लान बनाना है। यहां देखिए कोना, अरे घर, देखिए एक रूम है, एक रूम है, एक रूम मिलेगा, तो इसे कॉर्नर जंक्शन कहते हैं। इसे कोने वाले कितने क्या कहेंगे भाई? कॉर्नर जंक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कॉर्नर जंक्शन। देखिए कोना वाला दिख रहा है ना, कोना वाला, बाकी इंग्लिश बॉन्ड वगैरह, इंग्लिश बॉन्ड, फेमिस बॉन्ड अलग अलग हम देखेंगे, इसका डिटेल में तो हम जब ड्राइंग बनाएंगे तब आपको समझाते हैं, ठीक है। तो प्लान बनाना है टी जंक्शन एंड कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल, ईंट के टी जंक्शन और कॉर्नर जंक्शन का प्लान बनाना है ऑफ वन ब्रिक, डेढ़ ब्रिक एंड टू ब्रिक थिक, यानी एक ईट मोटी दीवार, डेढ़ ईट मोटी दीवार, दो ईट मोटी दीवार का बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ डेढ़ ईट मोटी लेकर आए हैं, कितना ईट मोटी लेकर आए हैं भाई? यहाँ डेढ़ ईट मोटी लेकर आए हैं, यहाँ एक ईट मोटी लेकर आए हैं। देखिए एक ही ईट लगा है ना, यहाँ एक ईट मोटी दीवार है, ठीक है। तो एक ईट मोटी दीवार, डेढ़ ईट मोटी दीवार और दो ईट मोटी दीवार, दीवार के टी जंक्शन और कॉर्नर जंक्शन का प्लान बनाना है, ठीक है। दूसरे में समझ आया? ये बहुत 4-5-6 ड्राइंग बनाना होता है इसमें। तीसरा देखिएगा, तीसरा है ड्राइंग प्लान, प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है ऑफ आर्च, आर्च का, आर्च, आर्च मतलब क्या होता है? देखिए जब पुराने समय में बनता है, अभी पुराने समय में रेलवे स्टेशन चले जाइए या पुराने कॉलोनी वगैरह में चले जाइए, तो ऐसा दरवाजे के ऊपर ऐसा बनता है, दरवाजे के ऊपर ऐसा बनता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आर्च कहते हैं। अब पुराने रेलवे स्टेशन पर जाइएगा, ऐसा जरूर मिलेगा, इसे क्या कहते हैं भाई? आर्च। या पुराने घरों में जाएंगे, देखिए यहाँ भी एक आर्च है, यहाँ भी, यहाँ एक आर्च है, इसे कहते हैं आर्च। इसी का बनाना, ये जो दिख रहा है, जो हम कलर कर रहे हैं ना, यही आर्च है, यही क्या है भाई? आर्च है, ठीक है, है ना। ये क्या है आपका? आर्च है, दीवार है, जो नीचे कलर कर रहे हैं ये दीवार है, ठीक है। तो यही जो कलर के समझे इसी को हमको बनाना है, लेकिन हम स्केल लेकर के सारा मेजरमेंट अच्छे से लेकर बनाएंगे। अब आर्च हमको दो तरह से बनाना है, बस समझिए, आर्च ये सर्कुलर आर्च है या सेमी सर्कुलर कर सकते हैं, सर्कुलर आर्च बनाना है और सेगमेंटल आर्च बनाना है। यहाँ हम बस आपको एक ही आर्च दिखाए हैं, सर्कुलर आर्च दिखाए हैं, ठीक है। सर्कुलर आर्च कर लीजिए या सेमी सर्कल कर लीजिए, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो थर्ड नंबर ड्राइंग आपको समझ आया, आर्च बनाना है, ए वाला आर्च। अब आर्च नहीं बनाया जाता, अब आपके हमारे घरों में लिंटल बनाया जाता है, ठीक है, लिंटल बनाया जाता है, छत नहीं। देखिए आप अभी आप थर्ड सेमेस्टर में, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। गांव में क्या होता, कहते हैं चलो फलाने का लिंटल की ढलाई हो रही है, पूरी खाना है ना, तो लिंटल नहीं, छत, वो छत की ढलाई होती है, जो छत की ढलाई होती है, जो पूरी मिलता है वो छत की ढलाई होती है, ठीक है। यहाँ क्या है, लिंटल अलग चीज होता है, छत अलग चीज है, आपको धीरे धीरे समझ आया, अभी आप थर्ड सेमेस्टर में आए ना, तो धीरे धीरे समझ आएगी कि लिंटल क्या होता है, छत क्या होता है, ठीक है। तो अब ना, अब आर्च नहीं बनता, अब हमारे आपके घर में ऐसा बना है क्या? नहीं बना है। अब दरवाजे खिड़की के ऊपर लिंटल डाला जाता है, हम कह दें आपसे कि दरवाजे खिड़की के ऊपर बीम डाला जाता है। अब आपको समझ आया होगा ना, कंक्रीट का बीम डालते हैं, अब लिंटल का यूज है, अब आर्च का यूज खत्म हो गया। फिर भी जहां अच्छा एकदम अट्रैक्टिव बनाना हो, जिसके पास ज्यादा पैसा हो, चाहता हो मेरा थोड़ा VIP घर हो, वहां आर्च अभी भी सुंदरता के पर्पज से बनाया जाता है। लेकिन पहले के जमाना में सभी घरों में बनता था, क्योंकि लिंटल का डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। चौथा क्या ड्राइंग बनाना भाई? चौथा ड्राइंग है, चौथे का हम फिगर नहीं लेकर आए, क्योंकि मेरे सभी लाल मेरे बच्चे सभी जानते होंगे डोर। चौथा का क्या बनाना है हमको? चौथे में जो टॉपिक है उसका नाम क्या है भाई? डोर है। डोर मतलब समझते हैं आप, डोर मतलब दरवाजा, क्या है? दरवाजा, ठीक है। तो दरवाजा सभी लोग समझते हैं,
डोर मतलब क्या होता है भाई, दरवाजा। तो दरवाजा तो सभी लोग समझते हैं, तो इसका ड्राइंग हम नहीं लेकर आए हैं, मतलब कि इस तरह का फिगर नहीं लेकर आए, क्योंकि दरवाजा सभी लोग समझते हैं। दरवाजे का इलिवेशन बनाना है और सेक्शनल प्लान बनाना है, ठीक है, सेक्शनल साइड इलिवेशन भी बनाना है। किस दरवाजे का? फ्लश डोर। फ्लश डोर आपको समझ आता है, अरे प्लाईवुड वाला दरवाजा, प्लाईवुड वाला दरवाजे का, ठीक है। फिर फुली कांच डोर, पूरे कांच का दरवाजा। आप जाएंगे ऑफिस वगैरह में ना, किसी का मॉल वगैरह में चले जाए तो कांच का दरवाजा लगा रहता है, या एयरटेल सर्विस सेंटर वगैरह में जाएंगे तो कांच का दरवाजा लगा रहता है, ठीक है। फुली पैनल्ड डोर, यानी आपके हमारे जो मेन डोर, हमारे और आपके घर का जो मेन डोर होगा ना, उस पर थोड़ा कटिंग काटा गया होगा, ठीक है, उसे दिल्लेदार दरवाजा कहते हैं। पैनल डोर बनाना है हमको। वायर गेज डोर, जालीदार दरवाजा, देखना मच्छर मक्खी घर के अंदर ना आए, इसलिए जालीदार दरवाजा लगाया था, तो जालीदार दरवाजा बनाएंगे, है ना। पार्शली पैनल डोर, पार्शली ग्लेज डोर, यानी ऐसा दरवाजा बनाना है जो आधा लकड़ी का हो और आधा कांच का हो, ठीक है। तो ये सारे दरवाजा बनाना है, दरवाजा, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आएगी कि लकड़ी का दरवाजा बनाना है, लकड़ी और कांच का दरवाजा बनाना है, फुली कांच, पूरा कांच का दरवाजा बनाना है, जालीदार दरवाजा बनाना है, फिर प्लाईवुड का दरवाजा बनाना है, ठीक है। पांचवा ड्राइंग हमारे लिए क्या होगा भाई? बिल्डिंग। ये वाला पांचवा छठवा, यही तो बिल्डिंग ड्राइंग का मेन पोर्शन है, यही बिल्डिंग ड्राइंग का मेन पोर्शन है। हम आपको इतना कह सकते हैं, यदि आप पांचवा छठवा ड्राइंग पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, पास हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे पास नहीं होना है ना, पास तो नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएंगे पास। पास एग्जाम के दिन हमको फोन करेंगे, सर कौन, हम एकदम नहीं पढ़े, बताइए कौन कौन सा टॉपिक पढ़े कि हम पास हो जाएं। एग्जाम के दिन हम बता देंगे इसको इसको पढ़ के चले जाइए पास हुई, लेकिन पास होकर क्या करना चाहिए? कोई नॉलेज चाहिए ना। आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको ड्राइंग में ही नॉलेज नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सिक्स सेमेस्टर करने के बाद, थर्ड ईयर बाद जाएंगे काम करवाने जाएंगे, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जब काम करवाने जाएंगे तो आपके पास एक नक्शा मिलेगा, ऐसा ही नक्शा मिलेगा। अब इस नक्शे को समझ समझ के आपको मिस्त्री को बनाना रहेगा, अच्छा यहाँ दीवार बनाओ, इतना मोटा दीवार यहाँ है, यहाँ इतना मोटा दीवार यहाँ है, यहाँ रैक है, यहाँ प्लास्टर करो, यहाँ ईंट का फर्श है, यहाँ कंक्रीट का फर्श लगाओ, यहाँ टाइल्स लगाओ, तो देख के यहाँ इतना मोटा छड़ लगाओ वगैरह वगैरह आप मिस्त्री को बताएंगे, तो बताइए आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा किसी चीज का, तो क्या आप मिस्त्री को बता पाएंगे या किसी और को कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको ड्राइंग आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको ये पांचवा छठवा से पास हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें बिल्डिंग का प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाना है। इसमें क्या बनाना है भाई? बिल्डिंग का प्लान सेक्शन एलिवेशन, यहाँ प्लान दिख रहा होगा, बिल्डिंग को ऊपर से देखते हैं तो बस दीवारें, ये जो नीला नीला ब्लू है, ब्लू है पानी पानी, है ना, जो नीला नीला दिख रहा है ना भाई, ये क्या है? ये दीवारें हैं, ये दीवारें हैं। जब हम आपको समझाएंगे, जब बिल्डिंग का प्लान सेक्शन एलिवेशन समझाएंगे तो बताएंगे कैसे बना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है? बिल्डिंग का प्लान सेक्शन एलिवेशन, है ना। तो बिल्डिंग का प्लान है, ये प्लान है जिसमें सिर्फ दीवारों की मोटाई दिखाई देता है। बिल्डिंग का प्लान है, सिर्फ दीवारों की मोटाई दिखाई देता है। हम आपको सिंपल सा बता दे रहे हैं, अपना घर के छत को उड़ा दीजिए, छत उड़ा देंगे, और जब ऊपर से प्लान, मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे, प्लान मतलब ऊपर से देखते हैं, आपका घर है, घर के छत को उड़ा दीजिए, ऊपर से देखिए क्या दिखाई देगा? दीवारें दिखाई देगी, बस। क्या दिखाई देगा? दीवारें दिखाई देगी। अंदर और बाहर जो रैक निकला रहता है, रैक छज्जा वगैरह निकला रहेगा, वो सारी चीजें दिखाई देंगी। यही तो किचन में जो रैक निकला रहेगा जिसमें खाना वगैरह बनाया था, वही सारी चीजें दिखाई देंगी। तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे। तो प्लान है और एक क्या है? एलिवेशन है। एक क्या है भाई? प्लान है, ए एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है कि घर को, जब घर पूरा बन जाएगा तो सामने से कैसे दिखेगा। जैसे जब आपकी शादी लगेगी तो लड़की वाले आएंगे लड़कों के यहाँ, तो कहते ना लड़का घर देखने कैसा है, तो आएंगे जब घर देखेंगे तो क्या, घर के अंदर घुस घुस के देखेंगे, अच्छा बेडरूम यहाँ है, किचन यहाँ है, बाथरूम यहाँ है, घर के अंदर नहीं घुस के देखेंगे, घर के बाहर से देखेंगे, अच्छा यही घर है, तो वो क्या दिखेंगे? वो उनको एलिवेशन दिखेगा। यानी घर को जब सामने से देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एलिवेशन। तो एलिवेशन अच्छा रखिएगा, नहीं भाग जाएंगे सब, ठीक है ना, शादी नहीं होगी। तो एक क्या है भाई? प्लान लेकर आए हैं हम आपके सामने, यहाँ एलिवेशन है। बिल्डिंग को बिना काटे सामने से आपका घर कैसा दिखेगा उसे कहते हैं एलिवेशन। तो देखिए हमको क्या क्या बनाना है। ड्राइंग का देखिए, ड्राइंग का प्लान बनाना है, एलिवेशन, प्लान एलिवेशन समझ आ गया दोनों।
प्लान एलिवेशन ऑफ स्मॉल बिल्डिंग बाई मेजरमेंट एंड फाउंडेशन डिटेल, मतलब कि प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है और सारी चीजों को डिटेल में मेजरमेंट दिखाना है आपको, ठीक है। स्मॉल बिल्डिंग का देखिए, ये स्मॉल बिल्डिंग का हो जाएगा, छोटे मोटे घरों का, ठीक है। और छठा भी सेम ही बनाना है, देखिए छठवे में क्या करना है भाई, ड्राइंग डिटेल वर्किंग प्लान, देखिए वर्किंग प्लान बनाना है, वही मतलब हुआ प्लान बनाना है, ठीक है। एलिवेशन बनाना है, क्या बनाना है आपको, इसमें भी प्लान एलिवेशन हो गया। एंड सेक्शन, इसमें क्या बनाना है, सेक्शन बनाना है। सेक्शन क्यों बनाते हैं कि भाई आप घर, घर क्या है, आप घर लकड़ी का बना दीजिए, ऊपर से पेंट कर दीजिए, क्या पता चलेगा अंदर किसका घर है ना। आप अंदर क्या करिए, खराब ईंट लगा दीजिए, ऊपर से प्लास्टर करके पेंट कर दीजिए, अंदर का आपको पता चलेगा कि खराब ईंट लगा है कि बढ़िया ईंट लगा, नहीं पता चलेगा। तो घर को क्या करते हैं ना, काटते हैं, घर को क्या करते हैं, काटते हैं। काटने मतलब चक्कू ले जाके नहीं काटना है भाई, इमेजिन करना है, घर को काटते हैं और सेक्शन देखते हैं। अच्छा, यहाँ ये मटेरियल लगा हुआ, यहाँ RCC है, यहाँ CC है, यहाँ PCC है, यहाँ DPC लगा हुआ है, यहाँ इतना मोटा छड़ लगा हुआ है, यहाँ बिटुमिन लगा हुआ है, सारी चीजें दिखेगा। कैसे दिखेगा, जब घर को काटेंगे तब। तो इसमें छठा ड्राइंग में एक एक्स्ट्रा जुड़ता है, प्लान एलिवेशन तो इसमें भी था, इसमें एक सेक्शन भी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सेक्शन बनाएंगे। तो सेक्शन हम लेकर नहीं आए हैं यहाँ पर, यहाँ सेक्शन हम लेकर आ भी जाते तो हो सकता है आपको न समझ आए, ठीक है। तो उसको हम बनाएंगे अंदर, ठीक है, सेक्शन है। लेकिन इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग का बनाएंगे, किसका बनाएंगे भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का बनाएंगे। उसके बाद दिया है कि पैरापेट वाल दिखाइए, रूफ दिखाइए, फाउंडेशन दिखाइए, सारा चीज डिटेल में डाटा के अनुसार शो करना है, ठीक है। यानी हम कहते हैं इन दोनों टॉपिक में क्या है, प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाना है बिल्डिंग का। अरे यार छोटे बिल्डिंग का बना लेंगे तो बड़े का बना लेंगे, अब बड़े का बना लेंगे तो छोटे का बना लेंगे, ठीक है। तो यही पोर्शन आपको पास करा देगा। और पहला क्वेश्चन यही आता है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़े होंगे तो पहला क्वेश्चन आर्थोग्राफी आता है, कंपलसरी रहता है, वैसे ही ये भी पहला ही क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से, और बनाना ही रहेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर सातवां क्या है भाई, सातवां है ड्राइंग ऑफ फ्लोर, फर्श का ड्राइंग पढ़ना है। किसका ड्राइंग पढ़ना है भाई, फर्श का ड्राइंग पढ़ना है। देखिए हम ईंट का फर्श लेकर आए हैं, हम किसका फर्श लेकर आए हैं, ईंट का फर्श, आपको दिख रहा है ना, ईंट का फर्श दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ईंट के अलावा भी हमको कई तरह का फर्श पढ़ना है, जैसे सीमेंट कंक्रीट का फर्श। अरे हमारे और आपके घर में सीमेंट कंक्रीट का ही तो फर्श होता है, उसको उसका फिगर लाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट का फर्श है ना, ग्राउंड लेवल हम बताएंगे, ग्राउंड लेवल वगैरह क्या लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ईंट का फर्श, ईंट में हम दो तरह का फर्श पढ़ेंगे, डायगोनल बॉन्ड और हेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में से कोई बॉन्ड नहीं है, ये जिगजैग बॉन्ड है, ठीक है। आपके सिलेबस में दो ही बॉन्ड है, डायगोनल बॉन्ड है, हेयरिंग बॉन्ड है, लेकिन यहाँ जिगजैग बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला मतलब बॉन्ड कैसे होगा वो चीज हम डिटेल में समझेंगे। देखिए जिगजैग है ना, ऐसे देखिए जिगजैग हो रहा है कि नहीं, जिगजैग बॉन्ड इसे कहते हैं, ठीक है। हम जो इन दोनों को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कैसे ईंट का फर्श होता है हम इसलिए लाए हैं। तो कंक्रीट का फर्श, फिर ब्रिक का फर्श, फिर क्या पढ़ेंगे भाई, सीमेंट कंक्रीट, मार्बल का फर्श, मार्बल मतलब संगमरमर का फर्श, ठीक है। संगमरमर का आप जानते हैं, संगमरमर भी देखें, अब टेराजो भी देखें, अब क्या देखें भाई, टेराजो जो भी दिया हुआ है भाई, सिरेमिक का दिया हुआ है, हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। टेराजो मोजैको सिरेमिक वगैरह डिटेल में बताएंगे, सबका क्या पढ़ना है, फर्श पढ़ना है। फिर आठवां ड्राइंग क्या हो जाएगा भाई, ड्राइंग ऑफ फ्लैट रूफ, जो छत दिख रहा है ना भाई, छत है ना, नौ ड्राइंग नहीं भाई, दस ड्राइंग है, सॉरी हम नौ ही ड्राइंग कर रहे थे, कितने ड्राइंग पढ़ना आपको, दस ड्राइंग पढ़ना। क्या पढ़ना भाई, ड्राइंग ऑफ फ्लैट रूफ, यानी हमारे और आपका घर जो छत, चपटी छत होता है, एकदम फ्लैट ही तो होता है, उस छत का क्या बनाना है, ड्राइंग बनाना है, जिसमें शो करना है थर्मल इंसुलेशन, कि भाई गर्मी ज्यादा ना हो, हम कुछ उसमें व्यवस्था करेंगे कि ज्यादा हमारा रूम ऐसा छत बनाएंगे कि वो जो सूर्य का प्रकाश होगा उसको सोख लेगा, अंदर ज्यादा हीट नहीं भेजेगा, थर्मल इंसुलेशन का क्या करेंगे उसमें हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है। छत का ड्राइंग बनाना, इसमें किसका ड्राइंग बनाना है भाई, छत का ड्राइंग बनाना, और रूफ का, ठीक है, किसका ड्राइंग भाई, रूफ यानी छत का ड्राइंग बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा भाई, ड्राइंग नंबर 9 कह रहा है, डीपीसी का, डीपीसी वाला ड्राइंग है भाई। नौ नंबर क्या कह रहा है कि हमको क्या बनाना है, हमको छत बनाना है और वाल बनाना है, क्या बनाना है, छत बनाना है और वाल बनाना है, ठीक है। और छत और वाल ऐसा बनाएंगे, छत बनाएंगे और वाल बनाएंगे जिसमें हम डीपीसी डैम प्रूफिंग का व्यवस्था करना है, क्या किसका अरेंजमेंट करना है भाई, डैम प्रूफिंग का अरेंजमेंट करना है, वाटर ड्रेनेज का अरेंजमेंट करना है, ठीक है।
बताइएगा, छत, छत बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए रूफ एंड वॉल, छत बनाते हैं तो उसमें से छत में से पाइप निकालते हैं कि नहीं, पानी निकलने के लिए पाइप आप निकालते हैं कि पानी निकले, ठीक है। तो वाटर ड्रेनेज, रेन वाटर ड्रेनेज हो गया ना, पानी निकालने की व्यवस्था तो हम करते हैं, करते हैं भाई छत से, ठीक है। फिर वाल, वाल बनाएंगे। अब देखिएगा, छत बनाएंगे तो क्या आप चाहते हैं कि ऊपर जब बारिश हो तो आपको नीचे से टपकने लगे, नहीं चाहते हैं। तो हम उसमें ऐसा केमिकल डालेंगे, हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि वो लीक नहीं करेगा। तो वही तो हो गया, उसे डैम्प प्रूफिंग करते हैं। डैम्प मतलब होता है सीलन, प्रूफ मतलब होता है रोकना। अब घड़ी खरीदते हैं, कहते हैं वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ घड़ी मतलब कि भाई वाटर क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा उसका। डैम प्रूफ, डैम मतलब होता है सीलन, तो डैम प्रूफिंग मतलब सीलन रोक रहा, सीलन को रोकेगा। तो हम ऐसा ऐसा छत बनाएंगे, ऐसा छत बनाएंगे जिससे सीलन भी नहीं होगा और जिसमें से पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे। हम ऐसा वाल बनाएंगे, ऐसा वाल बनाएंगे जिसमें वाल में से तो पानी निकलने की व्यवस्था नहीं करना, लेकिन हम ऐसा वाल बनाएंगे जिसमें सीलन नहीं होगा, हम ऐसा व्यवस्था करेंगे उस दीवार में, ठीक है। तो इसमें हम डैम प्रूफिंग की व्यवस्था करेंगे। दसवां नंबर ड्राइंग है, ये भी डैम प्रूफिंग की ही बात कर रहा है। देखिए यहाँ लेकर आए हैं, हो सकता है ये वाला फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं है, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं। आपको फिगर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए हम एक मटेरियल डाल दिए हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा थोड़ा मटेरियल दिख रहा है, थोड़ा मोटाई का यही मटेरियल। नीचे देखिए, नीचे पानी जमा हुआ है, नीचे पानी जमा हुआ है, लेकिन हम एक यहाँ दीवार में ऐसा मटेरियल डाल दिए हैं कि पानी सूखते हुए ऊपर नहीं जाएगा, पानी सूखेगा 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 यही आकर के रुक जाएगा, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मटेरियल सीलन को रोक देता है, कहेगा ऊपर मत जाओ तुम नीचे रहो, क्योंकि हमको बहुत लगाने में खर्चा लगा है, ठीक है। तो यही सीलन को रोक देगा, ठीक है। ये देखिए इसीलिए लेकर आए है ना, ये थोड़ा मटेरियल डालें, देखिए मटेरियल नीचे गिरा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, तो मटेरियल डालें, देखिए कचरा पानी है, लेकिन ये पानी इसके नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो नौवें में हमें पढ़ेंगे, दसवें में हाँ हमें कह रहे थे कि हम बहुत सारे फिगर लेकर आएंगे, हम बहुत सारे हो सकता है वर्ड बोल दे तो आपको समझ ही ना आए, तो परेशान नहीं होना है, फिगर नहीं समझ आए, हम आज कुछ ऐसा वर्ड बोल दें जो आपको ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम डिटेल में जब उसके अंदर घुसेंगे ना तो ऐसा मतलब कि कोई वर्ड ना समझ आए, कोई फिगर ना समझ आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम चीजों को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप ड्राइंग बनाइएगा, मस्त होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। जैसे कि ये हम लेकर आए रूम, एक रूम लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो गया तो सामने दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग पढ़ेंगे, डैम प्रूफिंग करेंगे। देखिए इसमें भी डैम प्रूफिंग किए थे, लेकिन दीवार का किए थे और छत का किए थे, लेकिन इसमें डैम प्रूफिंग हम किसका करेंगे, बेसमेंट का करेंगे। बेसमेंट मतलब अभी देखे थे दिल्ली में घटना हुआ था, बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था बेसमेंट में कोचिंग, ठीक है। बेसमेंट मतलब जो अंडरग्राउंड होता है, जो जमीन होता है, जमीन के अंदर रूम बना रहा था, उसमें जमीन के अंदर जब बना है, देखिए ये जमीन के अंदर बना है तो किनारे किनारे पर जमीन है, जमीन मतलब भूमि है, भूमि मतलब मिट्टी है, और मिट्टी में नमी रहती है, तब किनारे की, इस किनारे की मिट्टी, इस किनारे की मिट्टी, इसके नीचे भी मिट्टी है, अब सीलन करके अंदर ना आ जाए भाई, सीलन करके अंदर आएगा तो आपका दीवारें खराब होंगी, आपका प्लास्टर खराब होगा, उस सब सीलन रहेगा तो वहां मच्छर आएंगे, आपका हेल्थ खराब होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि चूंकि जो अंडरग्राउंड होता है, जो बेसमेंट होता है, वो जमीन के नीचे रहता है, तो इसके चारों तरफ मृदा रहता है, सॉइल रहता है, इसके चारों तरफ मिट्टी रहता है, और मिट्टी में नमी रहता है, तो यहाँ की नमी अंदर ना जाए, यहाँ की चारों तरफ मतलब चारों तरफ मतलब तीन तरफ, ऊपर तो मान लीजिए घर रहता है, तीन तरफ का नमी भाई रूम में ना जाए, देखिए तीन तरफ से नमी रूम में जा सकता है, तो तीनों तरफ के नमी रोकने की व्यवस्था कैसे होगा उसको हम पढ़ेंगे। डैम प्रूफिंग ड्राइंग, डैम प्रूफिंग डिटेल इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग, इसमें दसवें टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसमेंट में हम लोग डैम प्रूफिंग कैसे करते हैं कि सीलन ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि बिल्डिंग ड्राइंग में है क्या, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 10 ड्राइंग, तो अपने माइंड में ऐसा मत सोचिएगा ओहो 10 ड्राइंग, 10 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, एक ड्राइंग, दो ड्राइंग एक दिन में बनाएंगे निपट जाएगा, ऐसा नहीं है। अब कहेंगे ऐसा कैसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि दिख तो रहा है 10 ड्राइंग, लेकिन ये 10 के अंदर बहुत ड्राइंग है। कहाँ देखे, यहाँ एक ड्राइंग मिलेगा, यहाँ देखे यहाँ कितने ड्राइंग मिलेगा, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 ड्राइंग तो अकेले इसमें मिल जाएगा। मोटा मोटा कह रहे हैं कम से कम 7-8 ड्राइंग इसमें मिलता है, कम से कम,
इसमें इसको जब हम पढ़ाते हैं तो वाल को पढ़ाने के लिए, जब वाल वगैरह होता है तो वाल को पढ़ाने के लिए सबसे पहले ईंट पढ़ाना पड़ता है कि भाई ईंट क्या है, ईंट क्या है, कैसे ईंट दिखता है, कैसे ईंट को सजाते हैं। यहाँ देखिए ईंट के बीच में क्रॉस बनाया है, एक क्रॉस वाला कौन सा ईंट है, एक क्रॉस वाला कौन सा ईंट है। तो इसमें तो एक ईंट का 3D बनाना पड़ता है। और एग्जाम में आता है कि किंग क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, बेवेल्ड ईंट क्या होता है, उसका 3D बनाने के लिए आता है। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें तो ड्राइंग बनाना होता है और एग्जाम में आता है, फिक्स है। और इसमें 10 ड्राइंग, इसमें एक ड्राइंग, इसमें 11 ड्राइंग, ऐसे हो गया। फिर 8, 12, 13, 13, इसमें दो ड्राइंग बनाना पड़ता है, 14। सेगमेंटल का, सेगमेंटल दो तरह से बनता है, सेगमेंटल का ड्राइंग दो तरह से बनता है, यानी दो ड्राइंग सेगमेंटल का बनाना पड़ेगा, इसका एक ही ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो 3 ड्राइंग इसमें हो जाएगा आपका, लिख ही दे रहे हैं, जोड़ ही ले रहे हैं लगभग में कितना ड्राइंग होगा, मोटा मोटी की बात कर रहे हैं, एक दो ड्राइंग कम ज्यादा, 3 ड्राइंग इसमें होगा। हम कहते हैं कम से कम 8 ड्राइंग इसमें हो जाएगा, एक ड्राइंग इसमें हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, हो गया। इसमें डोर का तो बहुत ड्राइंग बनाना पड़ता है मेरे लिए, ठीक है। देखिएगा, एक ड्राइंग फ्लश डोर का, फ्लश डोर का एक ड्राइंग, फिर फुली ग्लेड का 2 हो जाएगा, फिर फुली पैनल का 3 हो जाएगा, वायर गेट 4 हो जाएगा, ये जगह 5 हो जाएगा, 6 ड्राइंग। हम जानबूझकर ज्यादा लिखना चाहिए, 5 लिख दे रहे हैं, ये कम ना हो। 5 ड्राइंग इसमें, 5 तरह का दरवाजा इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें जाएंगे तो मान लेते हैं कि तीन चार जितना भी बिल्डिंग हमको डिस्कशन करना हो, है ना, आपको जब तक समझ ना आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं दो ड्राइंग इसका। अब इसमें कोई कंफर्म नहीं होता, ये दोनों ड्राइंग ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। तो इसमें जब तक आपको समझ ना आ जाए, 2 ड्राइंग, 3, 4, 5, 6 जितना ड्राइंग आपको समझना, जब तक समझना आ जाए तब तक ये दोनों टॉपिक चलता है। इसमें 5, 6 भी हो सकता है, ठीक है, है ना। फिर देखिए इसमें एक ड्राइंग इसका बनाना पड़ता है, एक ड्राइंग इसका बनाना पड़ेगा, एक ड्राइंग इसका बनाना पड़ेगा। फिर इसमें सीधे सीधे हम कहते हैं कि 6 ड्राइंग इसमें बनाना पड़ेगा, कितना भाई, 6 ड्राइंग इसमें बनाना पड़ेगा। और 2 ड्राइंग इसमें बनाना पड़ेगा भाई, आरसीसी का छत बनाएंगे उसका व्यवस्था करेंगे, आरबीसी का छत बना करके उसका, तो छत में भी 2 आरसीसी का छत, आरबीसी का छत। फिर 2 ड्राइंग इसमें बनाना पड़ेगा, 2 कहते हैं, एक ही हम एक तो फाउंडेशन में काम चला देते हैं, ये जो फाउंडेशन का रहा है वाल वाला हम काम चला देंगे, ठीक है। ठीक है, एक ड्राइंग इसमें कर दें और एक ड्राइंग इसमें कर दें, तो जोड़ लीजिए, क्या जाएगा आपका, 2, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 20, 21, 22, 23, देख रहे हैं, 31 लगभग, मैं इतना मान के चलिए 30 ड्राइंग के आसपास बनेगा। और 30 ड्राइंग हम करें तो 25 भी हो सकता है और 32, 33 भी हो सकता है, तो मोटा मोटे जोड़े हैं, बाकी अंदर हमको याद आता रहेगा तो बनाते रहेंगे। जैसे हम पढ़ाते हैं तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दिया हुआ है, और एक बात और है कि जाइए एप्लीकेशन, यहाँ लिख रहा है ना, या तो इस नंबर डाउनलोड सिविल टेक सोल्यूशन फॉर मोर इफेक्टिव क्लासेस एंड नोट, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स वगैरह सारा एप्लीकेशन पे ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ डोर दिया हुआ है, डोर दिया हुआ है, लेकिन हम विंडो भी बताते हैं, क्योंकि आता है डोर दिया है, विंडो दिया है, आपके सिलेबस में सीढ़ी नहीं दिया है, सीढ़ी, लेकिन हम सीढ़ी भी बताते हैं भाई, सीढ़ी भी आता है कभी कभी, तो सीढ़ी नहीं दिया है लेकिन बताता है। तो हम बहुत दिनों से ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि क्या क्या आता है, जो चीजें आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में आता है उसको भी हम बताते हैं, उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगा आज का सिलेबस डिस्कशन, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि बिल्डिंग ड्राइंग में है क्या। तो आई होप अपना ख्याल रखेंगे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम बिल्डिंग ड्राइंग को बहुत ही आसानी से खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।